सूरत नसर के बारे में अक्सर लोगों का ख्याल यह है कि यह मदनी है, मेरी जाती राय यह कि यह भी मक्की है, इसलिए कि यहां भी उसूल वो है, इज़ा जाए नसरुल्लाह वल फतह, जब आ जाए मदद अल्लाह की और फतह। मैं इस सूरत को जोड़ता हूं सूरतुल इंशराह ही के उस आखिरी हिस्से से, फैजा फरगता फंसब वइला रब्बिका फरगब। वो तो मदनी तो नहीं है, वो तो मक्की सूरत है बड़े इब्तदाई जमाने की। ये तो खबर दी जा रही है कि एक वक्त आएगा, और पेश की खबर दी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक वक्त आएगा आप अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और फारिग हो जाएंगे। फैजा फरगता फंसब वइला रब्बिका फरगब। उसी रंग में यह भी है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, जब आ जाए मदद अल्लाह की और फतह। वराए तन्ना सैयद खलू नफी दीन अल्लाह अफवाजा, और आप देख लें लोगों को दाखिल होते हुए अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। फसम्भ भी हम दे रब का वस्ता, फिर तो फिर उस वक्त आप हमा वक्त हमा तन अपने रब के इस्तिगफार और तहमीद में लग जाइएगा। अभी तो ये मुशक्कतें झेलनी हैं, अभी तो ये रिसालत के फराइज, आगे बढ़कर जो मदनी दौर में जंगें आनी हैं, जो सख्त मराहिल आने हैं, अभी आपको ये झेलने होंगे। इन्नहु काना तव्वाबा, यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा को कबूल फरमाने वाला है। इनमें चूंकि कुरान मजीद में जो मुख्तलिफ मसाहिफ है उसमें जो चीज़ लिखा होती है ऊपर कि ये मक्की है ये मदनी है, तो लोग समझते हैं शायद ये कि बिल्कुल यूँ समझिए कि तयशुदा चीज़ें हैं। हालांकि कम सूरतें कुरान मजीद की जो बड़ी बड़ी सूरतें उनके बारे में तो तयक्कुन के साथ मालूम है, लेकिन ये कि बात जो छोटी सूरतें उनके बारे में बहुत से अकवाल आपको तफसीर की किताबों में मिल जाएंगे। मैंने जितनी भी बारह तहकीक की है मेरे नज़दीक ये भी मक्की है मदनी नहीं है, ये भी एक खबर दी जा रही है जैसे कि सूरह इंशराह में। सदक अल्लाहुल अज़ीम।